हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैं विनय रंजन, आईआईटी दिल्ली। आज हम लोग क्वार्टिक इक्वेशंस की लेक्चर नंबर 3 हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो कल की क्लास में हम लोगों ने जो कवर किया था क्वार्टिक इक्वेशंस का, कॉमन रूट का कंडीशंस एंड कॉमन रूट पे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारा चीज हम लोगों ने देखा था, ठीक है। सो आज हम लोग जो लेक्चर नंबर 3 में कवर करने जा रहे हैं क्वार्टिक इक्वेशंस का ग्राफ ऑफ क्वार्टिक एक्सप्रेशंस एंड रेंज। क्वार्टिक के ग्राफ को यूज करके हम लोग कैसे रेंज एक बहुत बड़ा टॉपिक आता है आपका मैथमेटिक्स में। ये जो क्वार्टिक इक्वेशंस में ये स्टार्ट होगा रेंज, आपको प्रत्येक चैप्टर में रेंज के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मतलब किसी भी फंक्शन का मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वही उसका रेंज होता है। सो रेंज का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। लिमिट इन द सेंस वो कब खत्म होगा, या सिर्फ एक ही चैप्टर्स में मिलेगा या सिर्फ कैलकुलस मिलेगा, नहीं। रेंज के क्वेश्चंस आपको पूरे मैथमेटिक्स के प्रत्येक चैप्टर में मिल सकता है, चाहे वो वेक्टर थ्योरी हो या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो या फिर आपका प्रोबेबिलिटी हो, एवरीवेयर आपको रेंज का क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। सो क्वार्टिक इक्वेशंस या क्वार्टिक एक्सप्रेशंस का जो रेंज निकालने का तरीका होगा वो हम लोग देखेंगे, आज ग्राफ देखेंगे, ठीक है। सो लास्ट क्लास में आप लोग नेचर ऑफ रूट एंड कॉमन रूट, नेचर ऑफ रूट में इंटीजर रूट का क्या होता है कंडीशंस, रेशनल इरेशनल कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, ये सभी चीज अभी तक हम लोग देख चुके हैं, एंड सम ऑफ रूट प्रोडक्ट, बिल्कुल बेसिक सारा चीज, ठीक है। सो आज हम लोग ग्राफ स्टार्ट करेंगे, ग्राफ ऑफ क्वार्टिक एक्सप्रेशन। सो ग्राफ ऑफ क्वार्टिक फंक्शन, थोड़ा ध्यान समझना और आप मेरे साथ चलिए। साथ चलिए का मतलब आप कॉपी पेन लेके बैठिए, जो बार बार मैं रिपीट करता हूं, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का क्लास है जिसमें आपको हाथ में पेन कॉपी के साथ बैठना, तभी आपको बेनिफिट होगा, मतलब फायदा होगा। अगर आप ये सोच के यहाँ पे आ रहे हैं कि जैसे एक रील्स या फिर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, उस टाइप का टाइम पास टाइप का चीज अगर करने यहाँ पे आए तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। सो अगर इस क्लास को प्रॉपर यूटिलाइज, प्रॉपर बेनिफिट आप लेना चाहते हैं तो आप कॉपी कलम किताब के साथ बैठिए, जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ कवर कर रहा हूँ उसको मेरे साथ आप कीजिए, क्योंकि अगर आपका पढ़ा हुआ तो आपका रिवीजन होगा, या फिर अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे तो आप सीखेंगे, ठीक है। चलिए, सो ग्राफ ऑफ क्वार्टिक फंक्शन, जो बेटा क्वार्टिक फंक्शन होता है हमारा, जो क्वार्टिक फंक्शन होता है आपका, हम लोग बिल्कुल इनिशियल से देख रहे हैं कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्वार्टिक फंक्शन होता है, ठीक है। इसका अपने को ग्राफ ड्रॉ करना है। पहले हम लोग कुछ बेसिक ग्राफ मैं ड्रॉ करूंगा, कुछ बेसिक ग्राफ, जैसे बेटा मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। फिर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का ड्रॉ करना है, एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन का ड्रॉ करना है। सो फर्स्ट ग्राफ आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको x एक्सिस एंड y एक्सिस चाहिए। सो x एक्सिस ड्रॉ कर लिया एंड y एक्सिस ड्रॉ कर लिया। ये जो आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन है, ये आपका y एक्सिस के बराबर सिमेट्रिकल, क्यों? क्योंकि x का वैल्यू 1 पे ये 1 देगा आउटपुट, माइनस 1 पे भी ये 1 देगा, मतलब जैसा y एक्सिस के राइट में वैसा आपका y एक्सिस के लेफ्ट में ग्राफ होगा, और ये आपका ये ग्राफ चलता है, ठीक है। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा होगा कि दिस ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस, इट मींस कि अगर इसको रोटेट करें y एक्सिस के अबाउट तो लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाले पे मर्ज कर जाएगा, या राइट वाला पार्ट लेफ्ट वाले पे आपका क्या हो जाएगा, मर्ज कर जाएगा, ठीक है। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो इसका मिनिमम वैल्यू बेटा 0, एंड मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, तो मैक्सिमम इन्फिनिटी तक जा सकता है, एंड दिस ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, इट मीन सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन x इज इक्वल टू 0, क्योंकि y एक्सिस का इक्वेशन आपका x इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान समझना बेसिक। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ मिनिमम 0, मैक्सिमम कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। इस पे कुछ एक चीज हमें देखना है, सपोज अगर x का वैल्यू -3 से लेकर 5 तक मूव कर रहा है, ध्यान से देखना, x इफ x लाइज बिटवीन -3 to 5, इफ x लाइज बिटवीन -3 to -3 to 5, देन x स्क्वायर बिलोंग्स टू, अगर बेटा x का इंटरवल -3 से 5 जा रहा है तो
हमें एक्स स्क्वायर का इंटरवल बताना है। एक चीज ध्यान समझना कि आपको अब ऐसा लग रहा है कि सर एक्स स्क्वायर का आउटकम चाहिए मुझे, कब, जब एक्स इसमें जो इनपुट जाएगा माइनस थ्री से लेकर कहां तक, फाइव तक। सो माइनस थ्री पुट कीजिएगा, ये एक्स स्क्वायर जो मशीन है ये पॉजिटिव मशीन है, माइनस थ्री को बना देगा प्लस नाइन। फिर आगे माइनस थ्री और फाइव के बीच में जीरो भी आएगा, जीरो पुट कीजिएगा वो जीरो रह जाएगा, फाइव का स्क्वायर 25 करेगा। तो आपको आउटकम जो दिखाई दे रहा होगा वो जीरो से लेकर 25, मतलब मिनिमम जीरो एंड मैक्सिमम 25 दिखाई दे रहा है। इट मीन जब एक्स का वैल्यू माइनस थ्री टू फाइव तो एक्स स्क्वायर कीजिएगा, तो जब भी नेगेटिव टू पॉजिटिव रहे, बिल्कुल ध्यान से बेसिक चीज में बता रहा हूं, कि जब भी एक्स का इंटरवल माइनस थ्री टू फाइव, तो आपको यह ग्राफ से भी दिखेगा कि सर माइनस थ्री पे ये हाइट देगा नाइन एंड प्लस फाइव पे हाइट दे रहा आपको 25, बट नेगेटिव टू पॉजिटिव रास्ते में जीरो आएगा, जीरो पे हाइट देगा जीरो। सो इट मींस मिनिमम हाइट जीरो पे एंड मैक्सिमम हाइट 25 पे। बहुत ऐसा बच्चा जो मिस्टेक करता है, माइनस थ्री टू फाइव जा रहा है तो एक्स स्क्वायर को लिखता है 9 to 25, जो कि गलत है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव रास्ते में जीरो आएगा, जीरो का स्क्वायर जीरो होगा। सो मिनिमम स्टार्ट होगा जीरो से लेकर कहां तक, 25 तक, ठीक। अब एक चीज तो आपको दिमाग में फिट कर लेना है कि जब भी एक्स का इंटरवल नेगेटिव टू पॉजिटिव तो एक्स स्क्वायर स्टार्ट फ्रॉम जीरो। अब जीरो से लेकर कहां तक, तो इस नंबर्स में लेफ्ट और ये राइट, इस दोनों में जिसका स्क्वायर बड़ा होगा वहां तक आपका इंटरवल जाएगा। जैसे सपोज कि इफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस सेवन टू फाइव, देन एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू, अब देख फिर अगेन माइनस सेवन से लेकर कहां तक, फाइव, नेगेटिव से जा रहा है बेटा पॉजिटिव तक जा रहा है, इट मीन रास्ते में जीरो आया होगा। सो इसका स्टार्ट होगा जीरो से, मैक्सिमम कहां तक जाएगा, तो माइनस सेवन का स्क्वायर 49 एंड फाइव का स्क्वायर 25, तो मैक्सिमम 49 तक जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ कुछ बेसिक्स पॉइंट है, आगे जाके रेंज में हम लोग यूज करेंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो अगर एक्स का इंटरवल हमारा पॉजिटिव से पॉजिटिव रहा, इफ एक्स बिलोंग्स टू थ्री टू फाइव, देन थ्री टू फाइव मतलब यहां कहीं, थ्री आपका यहां कहीं आएगा, थ्री से लेकर फाइव, तो थ्री पे आउटकम देगा नाइन एंड फाइव पे दिया 25, तो इस केस में लेफ्ट का स्क्वायर से लेकर राइट का स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर दिस बिलोंग्स टू 9 to 25। या अगर आपका एक्स का इंटरवल यहां पे देख रहे हो, इफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस फाइव टू माइनस टू, मतलब नेगेटिव टू नेगेटिव, इसमें अगेन जीरो नहीं आएगा रास्ते में, तो कोई दिक्कत नहीं, देन एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू, अब ध्यान समझना है बेटा, माइनस टू आपका यहां कहीं, माइनस फाइव आपका यहां कहीं, माइनस फाइव का स्क्वायर यहां कहीं आएगा ऊपर 25 हाइट पे, एंड माइनस टू का स्क्वायर फोर हाइट पे। सो फोर से लेकर कहां तक जा रहा है, 25, सो माइनस टू का यहां से स्टार्ट होगा फोर से लेकर 25 तक, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर, ये कुछ बेसिक्स पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब एक्स का इंटरवल कहां से कहा। सो एक्स स्क्वायर का ग्राफ मुझे सिखाना था, वो आपका ये सिमेट्रिकल अबाउट द वाई एक्सिस, स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, मतलब मिनिमम वैल्यू इसका जीरो, मैक्सिमम कहां तक, इन्फिनिटी तक। दिस ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, इट मीन सिमेट्रिकल अबाउट द एक्स इक्वल टू जीरो लाइन। फिर अगला ग्राफ मैंने बोला वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, बेटा वन को अगर आप कवर करें आपको दिखेगा एक्स स्क्वायर। तो ऐसा नहीं लग रहा है सर एक्स स्क्वायर ग्राफ पे आपने वन यूनिट से ऐड कर दिया, तो जो एक्स स्क्वायर ग्राफ है उसी को वन यूनिट से ऊपर शिफ्ट कर देना है। सो वन यूनिट ऊपर शिफ्ट कीजिएगा, तो यहां कहीं से स्टार्ट होगा, ग्राफ का नेचर सेम रहेगा, सिर्फ वन यूनिट से ऊपर चला गया। तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो जो एक्स स्क्वायर का ग्राफ था उसमें वन यूनिट से क्या करना, वन यूनिट से नीचे खींच देना है, तो वन यूनिट से नीचे मान लो यहां कहीं जाएगा, तो यहां से ऐसा जाएगा, ठीक है। मैं फ्रेश एक ग्राफ ड्रॉ करूंगा, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर के बाहर अगर कुछ ऐड किया हुआ है तो अपसाइड शिफ्ट हो रहा है, स्क्वायर के बाहर कुछ सब्सट्रैक्ट किया तो डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ग्राफ कितने यूनिट से, जितना आप सब्सट्रैक्ट करें उतने यूनिट से ग्राफ नीचे शिफ्ट कर जा रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज पे हम लोग फिर से ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। सो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपका ये, ठीक है, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। एक्स स्क्वायर प्लस वन का ग्राफ बेटा आपका ये,
एक्स स्क्वायर माइनस वन का ग्राफ आपका वन यूनिट से नीचे जा रहा है, ये ठीक है, ये आपका माइनस वन यूनिट, ये आपका प्लस वन, ये आपका जीरो। सो ग्राफ का आपका नेचर सेम हो रहा, बट डिपेंड कर रहा है कि एक्स स्क्वायर के बाहर आप कितना ऐड किए और कितना सर्ट किए, उसके अकॉर्डिंगली ये ग्राफ अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमें ग्राफ ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, फिर y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, एंड y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन। थोड़ा ध्यान कर, जब x स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करना था तो वो स्टार्ट हो गया था ओरिजिन से, क्यों, क्योंकि x का वैल्यू जीरो पे y का वैल्यू जीरो। अब ये जो ग्राफ होगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर, जो इसका ग्राफ ड्रॉ करना हमें, अब ये बता, जब x का वैल्यू बेटा वन रखिएगा तब ये जीरो देगा। इट मीन ग्राफ को क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर के ग्राफ को लेफ्ट और राइट अब शिफ्ट करा रहे हैं, मतलब स्क्वायर के अंदर अगर कुछ प्लस माइनस है तो लेफ्ट, क्योंकि ये जीरो होगा, जीरो होगा एक्स इक्वल टू वन पे, तो वन से स्टार्ट होगा, वन पे जीरो। अब ये ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा ऐसा, सो वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर दिस ग्राफ, और ये आपका एक्स इज इक्वल टू जीरो पे दिया वन, और एक्स इज इक्वल टू वन पे वाई का वैल्यू जीरो। अब ये जो सिमेट्री आएगा इसमें, सिमेट्री इस लाइन के अबाउट किस पॉइंट पे, तो 1.0 से पास कर रहा है ये लाइन, सो दिस ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन एक्स इज इक्वल टू वन। एक्स इज इक्वल टू वन मतलब जहां पे ये जीरो हो जाए, एक्स इज इक्वल टू वन पे जीरो हो रहा है, तो उस लाइन के अबाउट ये ग्राफ आपका सिमेट्रिकल है। ठीक है, सिमेट्री अबाउट वन। अब देख सेकेंड, एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, ऐसा नहीं लग रहा बेटा कि इसी में वन यूनिट को एड कीजिएगा, ऊपर शिफ्ट कीजिए वन यूनिट से, ऐसा माइनस वन का मतलब वन यूनिट से इसी ग्राफ को नीचे खींच दिया, और एक्स इज इक्वल टू जीरो पे वन माइनस वन जीरो, मतलब ओरिजिन से पास करेगा ये। ठीक, सो ग्राफ का नेचर अगेन आपका सेम है, जब एक्स के अंदर स्क्वायर के अंदर कुछ ऐड और सब, सपोज यहां प्लस वन रहता तो इधर शिफ्ट करता, माइनस टू बाहर किया नीचे शिफ्ट किया, ठीक है वो सेम। ठीक, सो क्वार्टिक का ग्राफ, और अभी तक हम लोग जब एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव था तब हम लोग देखे, अगर मान लो वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करना है, सो ये क्या हो जाएगा आपका डाउनवर्ड ग्राफ, जो एक्स स्क्वायर था उसी में ये आपका नीचे शिफ्ट करेगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्स। अब इसी में अगर वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन कर दिया, तो बेटा इसी ग्राफ को वन यूनिट से ऊपर शिफ्ट कर देना है, सो वन यूनिट से ऊपर शिफ्ट कर देना ऐसा। फिर y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन करना है, तो इसी को वन यूनिट से और क्या करना है, नीचे शिफ्ट कर देना है ऐसा। ठीक, सो जब एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट पॉजिटिव रहेगा तो ओपन अपवर्ड, ग्राफ अपना ऊपर मुंह खोलेगा, जब एक्स स्क्वायर कोफिशियंट नेगेटिव तो डाउनवर्ड, अपना मुंह ग्राफ का मुंह ऐसा नहीं होगा, कटोरा नीचे ये आपका कटोरा ऊपर। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट डिसाइड कर रहा है कि ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, सो इन बेसिक्स ग्राफ को हम लोग यूज करके क्वार्टिक का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। जो आपका क्वार्टिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, थोड़ा इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाना है पहले। सो ए एक्स स्क्वायर, यहाँ बेटा टू लिखा, यहाँ बी लिखा, यहाँ टू लिखा, फिर ए लिखा, यहाँ एक्स लिखा, यहाँ ए लिखा। ठीक है, इस दोनों में ए कॉमन निकाल लिया, आपको दिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू बी बाय टू ए इंटू एक्स एंड प्लस सी। अब b बाय टू ए का स्क्वायर इतना ऐड कर दिया, b स्क्वायर बाय दिस इज फोर ए स्क्वायर, और इतना सब्सट्रैक्ट कर दिया, b स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर एंड बाहर प्लस सी बैठा। ये टर्म और ये टर्म, ये तीनों टर्म मिला के आपका x प्लस बी बाय टू ए का होल स्क्वायर बन रहा है, सो दिस इज a इंटू
एक्स प्लस बी बाय टू ए का होल स्क्वायर एंड दिस इज माइनस बी स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर एंड प्लस सी। ये ब्रैकेट अगर आप हटाइएगा तो ये बन जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी बाय टू ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए और यहां एक ए स्क्वायर तो कैंसिल होगा बी स्क्वायर बाय फोर ए प्लस सी। सो दिस इंप्लाइज वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाय टू ए का स्क्वायर एंड माइनस यहां एलसीएम ले लिया तो हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय फोर ए। ठीक है, इस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को हम लोग क्या नाम दिए हुए, डी नाम दिए हुए, डिस्क्रिमिनेंट, इसको डी लिख दिया। सो दिस बिकम्स ए एक्स प्लस बी बाय टू ए का होल स्क्वायर माइनस डी बाय फोर ए। ये आपने क्या किया, जो क्वार्टिक था उसको आपने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। सो वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाय टू ए का होल स्क्वायर माइनस डी बाय फोर ए। जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है उसको आपने क्या किया, सिंप्लीफाइड किया और इस जगह तक पहुंचा दिया। ठीक है, अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। सो ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी और इसी को आपने मॉडिफाइड किया है ए एक्स प्लस बी बाय टू ए का होल स्क्वायर एंड माइनस डी बाय फोर ए। ठीक है, अब फर्स्ट केस व्हेन ए पॉजिटिव एंड डी पॉजिटिव। ठीक, सी डी पॉजिटिव किसी भी क्वार्टी का डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव होता है तो हमें एक इंफॉर्मेशन पता चलता है कि सर उस क्वार्टी का दो रूट होगा और दो डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा। और रूट होने का मतलब ये कि x का वैसा वैल्यू जिस पे ये क्वांटिटी ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जब ये जीरो है इसका मतलब y जीरो, y जीरो, y जीरो कहां पे होता है, x एक्सिस पे y जीरो होता है। इट मींस x एक्सिस को दो जगह इंटरसेक्ट करेगा ये ग्राफ x के किस वैल्यू के लिए, टू डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज के लिए, क्योंकि d ग्रेटर देन जीरो ग्राफ का जो इससे कनेक्शन है वो ये है कि क्वांटिटी का दो रियल रूट होगा, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होगा। मतलब x को दो बार कट करेगा इससे d ग्रेटर देन जीरो से, और a ग्रेटर देन जीरो क्या बताता है कि ग्राफ ऊपर मुख खुलेगा, मतलब ओपन अपवर्ड ग्राफ रहेगा। ठीक है, सो अब देखते हैं इसका ग्राफ। x एक्सिस दिस इज y एक्सिस, बेटा ऐसा कुछ ग्राफ होगा, ओपन अपवर्ड ऊपर मुख खुला, x को दो जगह कट किया, मान लिया एक अल्फा रूट और दूसरा बीटा, तो ये वैल्यू हो जाएगा बीटा कॉमा जीरो एंड अल्फा कॉमा जीरो। अब देख ये जो आपका सिमेट्री है आपका, ये जो पॉइंट सबसे मिनिमम पॉइंट है ये, इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं भी, बेटा इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, मतलब कुछ ना कुछ बढ़ाता जाएगा, ए पॉजिटिव। इट मीन जब ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगा तो बचेगा मिनिमम वाई का वैल्यू माइनस डी बाई फोर है, बट ये ब्रैकेट जीरो होगा कब, जब एक्स का वैल्यू माइनस बी बाई टू ए रहेगा। सो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस बी बाय टू ए कॉमा माइनस डी बाय फोर ए। ये वर्टेक्स भी कहलाता है, चूंकि जो ग्राफ बन रहा आपका पैराबोलिक ग्राफ है, पैराबोला का ये आपका ग्राफ है। सो पैराबोला का ये क्या कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा। वी से डिनोट करते हैं, कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी बाय टू ए एंड वाई कोऑर्डिनेट इज माइनस डी बाय फोर ए। ठीक, अब ये जो लाइन है आपका, ये इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल आपको दिखाई दे रहा, और ये लाइन कौन, x इज इक्वल टू माइनस बी बाय टू ए, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाय टू ए। ठीक, अब इस ग्राफ का कुछ कुछ पॉइंट्स हमें ऑब्जर्व करना है, जैसे मान ले जब x का वैल्यू माइनस इनफिनिटी से लेकर अल्फा तक, तो ग्राफ का वैल्यू ऊपर है, ऊपर मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, सिमिलरली जब x का वैल्यू बीटा से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, अगेन ग्राफ एबव है मतलब पॉजिटिव है। ठीक, फिर जब x का वैल्यू अल्फा बीटा के बीच में, तो वैल्यू नेगेटिव आएगा, वैल्यू आपका नेगेटिव आएगा। फिर माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस बी बाय टू ए जब x का वैल्यू रहेगा, तो ग्राफ का नेचर बेटा डिक्रीज किया, देखिए नीचे जा रहा है, मतलब माइनस इन्फिनिटी पर ऊपर बैठा हुआ है। जैसे जैसे आप x का वैल्यू बढ़ाते हो ग्राफ ऊपर से नीचे आ जाए, सो ग्राफ इज डिक्रीजिंग। सिमिलरली
जब आपका एक्स का वैल्यू माइनस बी बाय टू से प्लस इन्फिनिटी जाइएगा तो बेटा इस वैल्यू से ये उठना स्टार्ट किया, इंक्रीज करना स्टार्ट किया, कहां तक गया, इन्फिनिटी तक गया। तो इस ग्राफ का इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नेचर, फिर किस इंटरवल के लिए पॉजिटिव, फिर किस इंटरवल के लिए पॉजिटिव, किस इंटरवल के लिए निगेटिव, सिमेट्री, सिमेट्री इज अबाउट द लाइन एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाय टू। सो इतने पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखना है इस ग्राफ से रिलेटेड, ठीक है। सो एक एक पॉइंट हमें नोट करना है कि आपका जो क्वार्टिक है वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। सो वाई का मिनिमम वैल्यू, सो वाई वाई मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मिनिमम वैल्यू कितना है, माइनस डी बाई फोर ए। सो दिस इज इक्वल टू माइनस डी बाई फोर ए कब, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाय टू ए, मतलब एक्स के किस वैल्यू के लिए ये मिनिमा अटेंड कर रहा है, तो एक्स के माइनस बी बाय टू ए पे ये आपका मिनिमा अटेंड कर रहा है, और कितना, माइनस डी बाय फोर ए। सो वाई का मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम बेटा आपका कहां तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि रेंज ऑफ, रेंज होता है सिंपल किसी भी फंक्शंस का मिनिमम से मैक्सिमम। सो मिनिमम माइनस डी बाय फोर ए, मैक्सिमम प्लस इन्फिनिटी। सो रेंज ऑफ दिस क्वार्टिक, रेंज ऑफ वाई, वाई मतलब क्वार्टिक ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू माइनस डी बाय फोर ए से लेकर इन्फिनिटी तक। ये तो बेटा आपका रेंज हो गया, ठीक। फिर नेक्स्ट पॉइंट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिस इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो मतलब ये पॉजिटिव। तो ग्राफ आपको दिखा रहा है कि सर एक्स एक्सिस के अबव जो पार्ट है वो आपका पॉजिटिव है, तो किस एक्स के लिए, तो माइनस इन्फिनिटी से अल्फा के लिए। दिस इज ग्रेटर देन जीरो फॉर एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से अल्फा। फिर एक जगह और पॉजिटिव दिख रहा है, बीटा से प्लस इन्फिनिटी तक फिर ग्राफ ऊपर चला गया, एंड यूनियन बीटा से प्लस इन्फिनिटी तक। फिर नेक्स्ट, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव। सो क्वार्टिक का ग्राफ नीचे एक्स एक्सिस के बिलो वाला जो पार्ट है वो नेगेटिव पार्ट है, तो एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है, तो एक्स का वैल्यू अल्फा से लेकर बीटा तक जा रहा है। सो लेस देन जीरो दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू अल्फा से लेकर बीटा तक, ठीक। फिर नेक्स्ट पॉइंट, यहां मैं लिख रहा हूं कि बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू अल्फा, और अल्फा बीटा निकालने का जो फॉर्मूला है हमारे पास, दिस इज माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय टू ए, और जब डी आपका पॉजिटिव रहेगा तो ये सारा रियल वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, माइनस इन्फिनिटी से यहां तक एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से बेटा माइनस बी बाय टू ए तक, तो ग्राफ का नेचर कैसा नेचर है, सो ग्राफ आपका डिक्रीजिंग नेचर है, ठीक है। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम लोग जा रहे हैं। सो यहां तक हम लोग जो ऑब्जर्वेशंस ग्राफ को देख के हमें दिखाई जो जो दिखाई दे रहा है वही मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, मैं फिर से ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं किसका, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो इसका ग्राफ ऐसा कुछ, ठीक, y एक्सिस दिस इज x एक्सिस, ये पॉइंट बेटा आपका माइनस बी बाय टू ए कॉमा जीरो, और ये जो आपका हाइट है ये आपका मिनिमम हाइट, और ये पॉइंट वर्टेक्स कहलाता है भी माइनस बी बाय टू ए कॉमा माइनस डी बाय फोर ए, एंड दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाय टू ए के अबाउट सिमेट्रिकल, माइनस इन्फिनिटी से यहां तक, फिर ये जो आपका पॉइंट है बेटा ये x इज इक्वल टू जीरो, चूंकि y एक्सिस पे जीरो कॉमा c, ठीक, ये अपवर्ड होगा या नीचे रहेगा वो डिपेंडिंग ऑन द c, c का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो y को पॉजिटिव में कट करेगा, c का वैल्यू नेगेटिव तो नहीं, कुछ नहीं करना, आप x की जगह पे जीरो पुट कर दीजिए आपको दिख जाएगा,
कि ऊपर कट करेगा या नीचे कट करेगा। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन आप देखिए कि माइनस इन्फिनिटी पे ग्राफ कहां पे, प्लस इन्फिनिटी पे ऊपर एबव। एक्स का वैल्यू आप बढ़ाते गए, इंक्रीज किया, हाइट ऊपर से नीचे गया, इट मींस कि आपका एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस एक्स के लिए, फोर एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस बी बाय टू ए। कि जब एक्स हमारा माइनस इन्फिनिटी से माइनस बी बाय टू ए तक रहेगा तो एफ एक्स आपका डिक्रीज किया। फिर यहां पे देखिए ग्राफ आपका इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, कब, जब एक्स का वैल्यू माइनस बी बाय टू ए से लेकर प्लस इन्फिनिटी दे जाइए तो ग्राफ इंक्रीजेज। सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंग्स टू माइनस बी बाय टू ए से लेकर प्लस इन्फिनिटी। यहां पे माइनस बी बाय टू ए पे ओपन, तो यहां पे मैंने क्लोज लगा दिया। ठीक है, सो क्वार्टिक का ग्राफ का इन आउट मतलब सारा चीज आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो माइनस बी बाय टू ए वो क्या डिसाइड करेगा, तो माइनस बी बाय टू ए ये डिसाइड करेगा कि ये जो आपका वर्टेक्स है, अगर माइनस बी बाय टू ए का वैल्यू बेटा पॉजिटिव है तो ये वर्टेक्स आपका ऑरिजिन का राइट साइड रहेगा, अगर ये माइनस बी बाय टू ए नेगेटिव रहेगा तो लेफ्ट साइड रहेगा। सी जीरो कॉमा सी, एक्स इक्वल टू जीरो पुट किया, सी का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो एबव कट करेगा किसे, वाई एक्सिस को, फिर बिलो कट किया वाई एक्सिस को, कब, जब सी आपका नेगेटिव रहेगा। तो इन सारे चीजों को ध्यान में रख के हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। इट मीन्स ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जो जो पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना, वो पहला पॉइंट है ए। अगर आपको ए दिखाई दे दिया कि ए आपका पॉजिटिव है तो दिमाग में एक इमेज बना के सर ग्राफ ऊपर जाएगा, मतलब ओपन अपवर्ड। फिर सेकेंड चीज आपको चेक करना है डी, अगर डी आपका पॉजिटिव आ गया इट मीन्स ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को दो बार कट करेगी। ठीक, फिर थर्ड पॉइंट देखना आपको सी, कि सी का जो आपका वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो वाई एक्सिस को पॉजिटिव में कट किया। एंड फोर्थ पॉइंट आपको जो चेक करना है माइनस बी बाय टू ए, अगर माइनस बी बाय टू ए का वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू आया तो बेटा आपका राइट साइड रहेगा ये मिनिमम, अगर नेगेटिव वैल्यू आए तो लेफ्ट साइड रहेगा आपका मिनिमम। ठीक है, सो नेक्स्ट सेकेंड केस हम लोग देखेंगे। When A positive and D negative, ठीक है, When A positive and D negative, किसी भी क्वार्टिक का डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव हो तो हम लोग सिंपली बोलते हैं कि सर उस क्वार्टिक का रियल रूट नहीं मिलेगा, मतलब रियल रूट नहीं मिला, इट मीन कॉम्प्लेक्स रूट मिल रहा है या इमेजिनरी रूट मिल रहा है या नॉन रियल रूट मिल रहा है। ठीक है, सो डी लेस देन जीरो, इस क्वार्टिक का डी लेस देन जीरो हमें यह इंफॉर्मेशन दे रहा है कि क्वार्टिक का रियल रूट नहीं होगा। रियल रूट नहीं होने का मतलब वो क्वार्टिक जीरो नहीं होगा। ठीक है, एक्स का ऐसा कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगा जिस पे ये क्वार्टिक जीरो होगा। सो क्वार्टिक अगर जीरो नहीं हो रहा इट मींस वाई जीरो नहीं होगा, वाई जीरो नहीं हो रहा इट मींस ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा रियल पॉइंट पे। फिर ए ग्रेटर देन जीरो क्या बताता है, तो ए ग्रेटर देन जीरो ये बता रहा है कि ग्राफ ओपन अपवर्ड मतलब मुंह ऊपर खुलेगा, डी लेस देन जीरो कट नहीं करेगा, ऊपर मुंह खुलेगा कट नहीं करेगा। इट मींस इस केस में जो ग्राफ बनेगा आपका y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसको आपने सिंप्लीफाइड किया था ए एक्स प्लस बी बाय टू ए का होल स्क्वायर माइनस डी बाय फोर ए। ठीक है, अब ध्यान थोड़ा ध्यान समझना बेटा, आपका a पॉजिटिव, स्क्वायर पॉजिटिव, ये पूरा क्वांटिटी पॉजिटिव। ठीक, फिर डी आपका नेगेटिव, तो नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव और ए पॉजिटिव, ये भी आपका पॉजिटिव, तो आप ऐसा कर रहे हैं कि इस पॉजिटिव में कुछ ऐड कर रहे हैं तो महा पॉजिटिव, तो ऊपर आपका बढ़ता ही बढ़ता जाएगा। सो ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, और इसका जो ग्राफ बनेगा आपका, ठीक है, थोड़ा ध्यान समझना बेटा, एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा वो कौन बताया, डी लेस देन जीरो। ए पॉजिटिव क्या बताया कि ग्राफ ऊपर मुंह खोलेगा, कट नहीं करेगा, ऊपर मुंह खोलेगा, इट मींस ग्राफ ऐसा जाएगा आपका, देख रहा है एक्स एक्सिस के एबव ही चला गया। इट मींस इस केस में ये जो आपका पॉइंट है
माइनस बी बाई टू ए कॉमा जीरो, और ये आपका वर्टेक्स भी इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। आपको दिखाई दे रहा होगा सर ये तो निगेटिव दिखाई दे रहा है, बट मैथमेटिक्स में जो दिखाई देता है वो होता नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं होता है कि डी आपका नेगेटिव है, नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव, और ए भी आपका पॉजिटिव, तो है ये एक्चुअल में पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। सो अब इस ग्राफ का ऑब्जर्वेशन, कुछ कुछ पॉइंट्स तो आपका सेम रहेगा जो आपका पिछला पॉइंट्स में था, सिमेट्री आपका सेम, ठीक, मिनिमम माइनस डी बाई फोर ए, मैक्सिमम इन्फिनिटी वो आपका सेम, फिर माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस बी बाई टू ए तक ये डिक्रीज किया ग्राफ स्ट्रिक्टली, फिर माइनस बी बाई टू ए से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक इंक्रीज किया ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। सो पहला पॉइंट y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन x इज इक्वल टू माइनस बी बाय टू ए, और ये सिमेट्री सारे क्वाड्रेटिक के लिए ये वैलिड है, चाहे आपका a पॉजिटिव हो, a नेगेटिव हो, d पॉजिटिव, d नेगेटिव या d जीरो, कुछ भी रहेगा, ये हमेशा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये जो ग्राफ होगा इसका वो सिमेट्रिकल होगा किसके अबाउट, तो एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। और सिमेट्रिक का मतलब क्या है, सिमेट्रिक का ध्यान समझना, ये बेटा माइनस बी बाई टू ए एक्स का वैल्यू, यहां से आप राइट गए मान ले प्लस एक्स यूनिट, और यहां से आप लेफ्ट गए सेम माइनस एक्स यूनिट, तो हाइट दोनों पे क्या दे रहा है आपको, सेम हाइट दे रहा है, मतलब पॉजिटिव में एक्स यूनिट गया आगे या निगेटिव में एक्स यूनिट गया मतलब पीछे, तो इस दोनों ही वैल्यूज पे आपका क्या हो रहा है, हाइट आपका सेम आ रहा है। इट मीन ये जो हाइट आ रहा है आपको किस एक्स पे मिल रहा है, यहां तक माइनस बी बाय टू ए और इसमें एक्स ऐड किया, तो ये आपका माइनस बी बाय टू ए प्लस एक्स तक, इस इनपुट मतलब इस एक्स पे हाइट आपका इतना, और सेम आपका हाइट किस एक्स पे, तो माइनस बी बाय टू ए से पीछे गए तो माइनस किया, सो माइनस बी बाय टू ए में एक्स माइनस किया, और इस दोनों ही एक्स पे आउटकम आपका दिख रहा है आपको, हाइट आपका सेम आ रहा है। इट मीन्स सिमेट्री अबाउट ए लाइन, चाहे वो एक्स इक्वल टू के हो या एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए, इसका मतलब ये होता है कि इफ एफ एक्स इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन एक्स इक्वल टू के, देन f ऑफ k प्लस एक्स, मतलब f में k प्लस एक्स पुट किया तो जो आउटकम आएगा, और f में x की जगह k माइनस एक्स पुट किया तब जो आउटकम आएगा, ये दोनों आपका सेम आउटकम आएगा। इट मीन्स ये अगर x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए के बाद सिमेट्रिकल रहेगा, तो f ऑफ माइनस बी बाई टू ए प्लस एक्स दिस इज इक्वल टू f ऑफ माइनस बी बाई टू ए माइनस एक्स, यही होता है सिमेट्री का मतलब, ठीक है। बाद में सारा चीज सेम रहेगा, फिर एक कॉन्सेप्ट इसमें और ऐड हो जाएगा कि बेटा जो क्वाड्रेटिक का आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है कि दिस ग्राफ लाइज अबव द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस का हमेशा अबव है, अबव मतलब ये क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ये ग्रेटर देन जीरो मतलब वाई ग्रेटर देन जीरो, वो आपको ग्राफ से दिखाई भी दे रहा है। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी This is greater than zero for all x belongs to real. कब? जब a positive and d negative. So, जब भी किसी भी quadratic का a positive हो और d negative हो, तो वो quadratic greater than zero किस x के लिए? तो सारे x के लिए. For all x belongs to real. So, for a positive and d negative, a x square प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, मतलब आर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सो किसी भी क्वाड्रेटिक का यू ग्राफ से हमें दिखाई भी दे रहा है कि सर ए पॉजिटिव था, डी नेगेटिव था, ग्राफ कैसा बना, तो एक्स एक्सिस के अबव बना, अबव मतलब हमेशा पॉजिटिव में, कभी ये ना तो जीरो हो रहा है ना तो निगेटिव में जा रहा है, ठीक है।
ये तो हो गया सेकेंड केस व्हेन ए पॉजिटिव एंड डी नेगेटिव। थर्ड केस व्हेन ए पॉजिटिव एंड डी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो जो आपका क्वार्टिक था एफ एक्स दिस इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाइड किया था ए एक्स प्लस बी बाय टू ए का होल स्क्वायर माइनस डी बाय फोर ए। अब अगर डी आपका जीरो है तो ये टर्म आपका गायब, तो आपको क्या दिखेगा, तो इस केस में दिखेगा सिर्फ इतना सा ए इंटू एक्स प्लस बी बाय टू ए का होल स्क्वायर, ये हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये बता, अब ए पॉजिटिव है और ये स्क्वायर, इट मीन्स अब ये डिसाइड करेगा कि बी बाय टू ए का वैल्यू माइनस बी बाय टू ए का वैल्यू कितना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो पॉजिटिव रहेगा तो राइट साइड ग्राफ शिफ्ट करेगा और स्टार्ट करेगा कहां से, माइनस बी बाय टू ए, मान लो यहां कहीं माइनस बी बाय टू ए, सो एक्स का वैल्यू माइनस बी बाय टू ए पे, माइनस बी बाय टू ए पे ये पूरा जीरो, तो यहां से ग्राफ स्टार्ट करेगा ऐसा। ठीक, इस केस में भी आपका सारा पॉइंट सिमेट्री अभी भी रहेगा, फिर माइनस इनफिनिटी से माइनस बी बाय टू ए तक डिक्रीज किया वो सही है, फिर माइनस बी बाय टू ए से प्लस इनफिनिटी तक बेटा इंक्रीज किया वो सही है, सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन माइनस बी बाय टू ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाय टू ए वो सही है। फिर इस केस में रेंज क्या हो जाएगा, जीरो से प्लस इनफिनिटी, मतलब जो चेंज करेगा कि रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो से प्लस इंफिनिटी एंड जीरो कब, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाय टू ए, और इस केस में जो क्वार्टिक रहेगा एफ एक्स जो होगा वो ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, इक्वालिटी यहां पे आ रहा है क्योंकि एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा है, ग्रेटर इक्वल टू जीरो किस एक्स के लिए, तो हमेशा के लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। ठीक है, सो तीन केस हम लोगों ने डील किया, व्हेन ए पॉजिटिव एंड डी पॉजिटिव, तो एक्स एक्सिस को दो बार कट करके गया था, फिर ए पॉजिटिव एंड डी नेगेटिव तो ऊपर से ही ऊपर चला गया, फिर ए पॉजिटिव एंड डी इक्वल टू जीरो तो टच करके गया एक्स एक्सिस को। ठीक है, अब इसी में ए नेगेटिव वाला पार्ट हम लोग देखेंगे। सो नेक्स्ट आपका फोर्थ केस बनेगा, व्हेन ए नेगेटिव एंड डी पॉजिटिव, और आपका क्वार्टिक है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ठीक है, देखिए ये जो दो इंफॉर्मेशन है ए नेगेटिव का और डी पॉजिटिव का, ठीक है, डी पॉजिटिव हमें ये इंफॉर्मेशन देती है कि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगी, क्योंकि दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलेगा, अब बेटा ए नेगेटिव ये बता रहा है कि ग्राफ आपका डाउनवर्ड जाएगा आपका, ठीक है, ओपन डाउनवर्ड जाएगा। सो क्वार्टिक का जो ग्राफ बनेगा आपका ये बता रहा है कि डी पॉजिटिव, इट मीन्स दो जगह इंटरसेक्ट करेगा और डाउनवर्ड जाएगा ऐसा। ठीक है, सो माइनस बी बाय टू ए कॉमा जीरो, अगेन दिस ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाय टू ए। ठीक, कुछ कुछ चीजें अब चेंज होगा यहां पे, ये अल्फा ये आपका बीटा, मतलब अल्फा पे जीरो हो जा रहा है और बीटा पे जीरो हो जा रहा है। सो ग्राफ आपका नीचे मुख खोल रहा है तो ए आपका कैसा है, तो ए नेगेटिव है, दो बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो डी आपका पॉजिटिव है। ठीक है, फिर अब जब एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से अल्फा तक जाएगा तो क्वार्टिक का जो ग्राफ है वो आपका डाउनवर्ड है एक्स एक्सिस के बिलो, बिलो मतलब नेगेटिव रहेगा, फिर बीटा से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा तो क्वार्टिक आपका अगेन बिलो है तो वो नेगेटिव होगा। ठीक है, एंड अल्फा से बीटा के मतलब रूट के बीच में क्वार्टिक ग्राफ एबव है तो पॉजिटिव होगा। सो पहला इंफॉर्मेशन सी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिस इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू अल्फा से लेकर बीटा, वो दिखाई भी दे रहा है ग्राफ में कि जब एक्स अल्फा से बीटा तो ग्राफ एबव है, एबव मतलब पॉजिटिव है। फिर सेकंड पॉइंट ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी दिस इज लेस देन जीरो
फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से अल्फा एंड यूनियन बीटा से प्लस इन्फिनिटी। देखिए यहाँ पे बेटा माइनस इन्फिनिटी से अल्फा तक ग्राफ बिलो, फिर बीटा से इन्फिनिटी तक, बीटा से इन्फिनिटी तक ग्राफ आपका बिलो जा रहा है। सो बिलो मतलब निगेटिव है, वही लिखा है। ये सारा कहानी कब चल रहा है, जब ए निगेटिव है डी पॉजिटिव हो तब, ठीक ये याद रखना है। फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स इज इक्वल टू अल्फा एंड बीटा। नेक्स्ट पॉइंट, सिमेट्रिक आपका सेम रहेगा। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला नेचर बेटा, माइनस इन्फिनिटी पर ग्राफ माइनस इन्फिनिटी है, जब एक्स का वैल्यू बढ़ाते हुए ग्राफ आपका ऊपर इंक्रीज करता गया, कहां तक, माइनस बी बाय टू ए तक। सो ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल माइनस बी बाय टू ए पे। सो एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस बी बाय टू ए एंड माइनस बी बाय टू ए से माइनस बी बाय टू ए से आप प्लस इन्फिनिटी जाइए, माइनस बी बाय टू ए पे आपको माइनस बी बाय टू ए पे ऊपर, और वहां से फिर बेटा ये नीचे उतरना स्टार्ट किया। सो ग्राफ आपका डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंग्स टू माइनस बी बाय टू ए से प्लस इन्फिनिटी, माइनस बी बाय टू ए पे क्लोज लगा दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट एफ एक्स का, अब इस केस में जो मिनिमम वैल्यू होगा वो आपको दिखाई दे रहा है, मिनिमम नीचे कहां तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, और मैक्सिमम आपका ये हाइट जा रहा मैक्सिमम, और ये जो हाइट आ गया ना ये वर्टेक्स हो जाएगा पैराबोलिक का, जिसका कोऑर्डिनेट माइनस बी बाय टू ए कॉमा माइनस डी बाय फोर ए। सो अब इस केस में रेंज मतलब एफ एक्स का बेटा मिनिमम इज माइनस इन्फिनिटी एंड एफ एक्स का मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाय टू ए पे कितना वैल्यू है, तो माइनस डी बाय फोर ए है। सो एफ एक्स हैज मैक्सिमम माइनस डी बाय फोर ए, किस एक्स पे मैक्सिमा, तो माइनस डी माइनस बी बाय टू ए पे, एंड मिनिमम माइनस इन्फिनिटी। तो इस फंक्शन का जो रेंज हो जाएगा, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस डी बाय फोर ए, ठीक है। सो माइनस डी बाय फोर ए यहां भी है इस केस में भी, बट इस ग्राफ के लिए वो बन जा रहा है मैक्सिमा बन रहा है, किस एक्स पे माइनस डी बाय फोर ए, तो माइनस बी बाय टू ए पे देगा ये माइनस डी बाय फोर ए, ठीक है। सो नेक्स्ट ग्राफ केस नंबर फाइव, फाइव में ये आएगा कि व्हेन ए नेगेटिव एंड डी आल्सो नेगेटिव, ठीक है। सो ए नेगेटिव मतलब ग्राफ कहां जाएगा, तो ग्राफ आपका नीचे जाएगा। डी नेगेटिव का मतलब क्या, ग्राफ कट नहीं करेगा। सो डिस्क्रिमिनेंट किसी भी क्वार्टिक का डिस्क्रिमिनेंट ये डिसाइड करता है कि उसके रियल रूट होंगे या रियल रूट नहीं होंगे, ठीक है। सो डी लेस देन जीरो, सॉरी डी लेस देन जीरो ये बताता है कि ग्राफ का मतलब ये क्वार्टिक का रियल रूट नहीं होगा। रियल रूट नहीं होने का मतलब क्वार्टिक का जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को रियल में कट नहीं करेगा, और ए नेगेटिव ये बताता है ग्राफ कहां जाएगा, नीचे मुख खुलेगा। तो जो आपका क्वार्टिक है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी विच इज ए इंटू एक्स प्लस बी बाय टू ए का होल स्क्वायर एंड माइनस डी बाय फोर ए, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान समझना, ये बेटा स्क्वायर पॉजिटिव बाहर ए नेगेटिव, ए नेगेटिव है तो ये पूरा क्वांटिटी, ये पूरा क्वांटिटी आपका नेगेटिव बन गया। फिर डी नेगेटिव ए नेगेटिव, तो डी और ए मिलकर ये आपका ये ब्रैकेट पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव, इट मीन्स ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो दो नेगेटिव मिलकर महानेगेटिव। महानेगेटिव मतलब एफ एक्स हमेशा नेगेटिव होगा, एफ एक्स का मतलब वाई हमेशा नेगेटिव, तो वाई हमेशा के लिए नेगेटिव होता है एक्स एक्सिस के बिलो। सो अब इसका जो ग्राफ ड्रा होगा, सिंपल आपको सोचना है कि सर डी नेगेटिव का मतलब क्या,
कि कट नहीं करेगा, ए नेगेटिव नीचे जाएगा, नीचे जाएगा कट नहीं करेगा, सो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। ठीक है, कट नहीं कर रहा, नीचे जा रहा है। ये अगेन वर्टेक्स भी कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस बी बाय टू ए कॉमा माइनस डी बाय फोर ए, और ये पॉइंट हो जाएगा एक्स। सो सिमेट्रिकल सेम है आपका सिमेट्री, माइनस बी बाय टू ए के अबाउट सिमेट्रिकल है। ठीक, जो कुछ पॉइंट्स आपको ऑब्जर्व करना है इस ग्राफ में कि दिस ग्राफ इज लेस देन जीरो, मतलब एफ एक्स लेस देन जीरो हमेशा के लिए। ठीक है, सो जब ए आपका नेगेटिव एंड डी नेगेटिव, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। बाद में कि सारा पॉइंट आपका सेम रहेगा कि सर ये माइनस इनफिनिटी से माइनस बी बाय टू ए तक इंक्रीजिंग ग्राफ, फिर माइनस बी बाय टू ए से प्लस इनफिनिटी तक आपका डिक्रीजिंग ग्राफ डिक्रीज करने लगा, सिमेट्री आपका सेम है, हमेशा एक्स एक्सिस के बिलो रहेगा, एफ एक्स हमेशा लेस देन जीरो, मिनिमम मैक्सिमम, अगेन मैक्सिमम माइनस डी बाय फोर ए, मिनिमम माइनस इनफिनिटी। सो रेंज रेंज इज माइनस इनफिनिटी टू माइनस डी बाय फोर ए, एंड एफ एक्स का मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाय टू ए, मतलब इस सिंबल का मतलब ये एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कब, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाय टू ए कितना, तो माइनस डी बाय फोर ए। ठीक है, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाय टू ए पे मैक्सिमम कितना देगा, माइनस डी बाय फोर ए देगा ये ग्राफ। अब लास्ट केस बच रहा हमारा, लास्ट केस वेन ए लेस देन जीरो एंड बेटा डी इक्वल टू जीरो। सी डी इक्वल टू जीरो का मतलब कि क्वाड्रेटिक का दो रियल एंड इक्वल रूट होगा, और डी इक्वल टू जीरो मतलब ग्राफ क्या करेगा, एक्स एक्सिस को टच करके जाएगी, टेंजेंट बन के जाएगा। ठीक है, सो वाई इज इक्वल टू दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसको आप ऐसा अब सो डी का वैल्यू जीरो, पूरा टर्म गायब, इतना बच रहा है ए इंटू एक्स प्लस बी बाय टू ए का होल स्क्वायर, जिसमें आपका ए का वैल्यू नेगेटिव है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, ये पूरा क्वांटिटी नेगेटिव होगा, नेगेटिव या जीरो होगा, जीरो कब, जब एक्स का वैल्यू माइनस बी बाय टू ए होगा। सो इसका जो ग्राफ ड्रॉ होगा आपका, सो एक्स एक्सिस को टच करके नीचे जाएगा, ये अगेन सिमेट्री वाला सेम रहेगा कि एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाय टू ए, इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल, माइनस इनफिनिटी से माइनस बी बाय टू ए तक कैसा ग्राफ, इंक्रीजिंग, फिर माइनस बी बाय टू ए से प्लस इनफिनिटी तक कैसा ग्राफ, डिक्रीजिंग, मिनिमम आपका माइनस इनफिनिटी, मैक्सिमम आपका जीरो। तो इस केस में एफ एक्स जो हो जाएगा लेस देन आर इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, कब, जब ए नेगेटिव एंड डी जीरो, फिर रेंज हो जाएगा इसका माइनस इनफिनिटी से जीरो, जीरो कब, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाय टू ए पे। ठीक है, सो ग्राफ टोटल क्वाड्रेटिक का छह आपका केस बन रहा था, छह केस का हम लोगों ने ग्राफ देख लिया कि कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक, आपको टोटल चार पॉइंट बेटा दिमाग में रखना है क्वाड्रेटिक का ग्राफ से रिलेटेड, मतलब जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करें तो आपको चार पॉइंट ध्यान रखना। पहला पॉइंट ए, ये डिसाइड करेगा कि ग्राफ ओपन अपवर्ड रहेगा या डाउनवर्ड रहेगा। ठीक, सो डिपेंडिंग ऑन द ए, इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो ओपन अपवर्ड, इफ ए इज लेस देन जीरो डाउनवर्ड रहेगा। फिर सेकंड चीज आपको चेक करना डी डिस्क्रिमिनेंट, अगर डी का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव पे ग्राफ एक्स एक्सिस को दो बार कट करके जाएगा, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, बट मैक्सिमम दो बार कट करके जाएगा। अगर डी का वैल्यू आपका लेस देन जीरो आ रहा है तो ना तो टच करेगा ना तो कट करेगा, सो या तो ऊपर से ऊपर निकल लेगा या तो नीचे से नीचे निकल लेगा। ठीक, फिर जब डी इक्वल टू जीरो होगा तो एक्स एक्सिस को टच करके जाएगा, जैसे यहां पे टच करके नीचे जा रहा है क्योंकि ए नेगेटिव है, टच करके ऊपर जाता अगर ए पॉजिटिव रहता तो। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको देखना सी, सी आपका क्या है, जब एक्स का वैल्यू आप यहां पे जीरो पुट कीजिएगा तो आपको यह बताएगा कि वाई एक्सिस को पॉजिटिव में कट कर रहा है या नेगेटिव में कट कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन द सी। अगर सी पॉजिटिव तो ऊपर कट करेगा,
सी अगर नेगेटिव तो नीचे कट करेगा। फिर लास्ट पॉइंट आपको देखना है माइनस बी बाई टू ए का वैल्यू, ये डिसाइड करेगा ग्राफ का आपका जो मिनिमम वाला पॉइंट है, ग्राफ का मिनिमम वाला पॉइंट वो राइट में रहेगा या फिर लेफ्ट में रहेगा, वो डिपेंडिंग ऑन द माइनस बी बाई टू ए। सो ये चार पॉइंट को दिमाग में रखिएगा, आप क्वार्टर का ग्राफ इजिली ड्रॉ कर लीजिएगा। ग्राफ से जो जो इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई दिया कि किस इंटरवल से किस इंटरवल तक ग्राफ आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा, कहां से कहां तक पॉजिटिव, कहां से कहां तक नेगेटिव, फिर आपका सिमेट्री क्या होता है, ये सारे चीजें तो आपको ग्राफ बेस्ड जो क्वेश्चन है जो पूछा हुआ भी है जेईई मेंस में वो हम लोग डील कर सकते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ चलो ये आपका क्वाड्रेटिक, इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, ध्यान समझना। सो बेटा फर्स्ट आपका जो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, यहां लिख लीजिए इसका a का वैल्यू 1, b इज माइनस फाइव एंड c इज 6। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप चेक कर लीजिए, a आपका पॉजिटिव दिख गया, फिर माइनस बी बाय टू ए देख लीजिए। सो माइनस बी बाय टू ए तो b का वैल्यू माइनस पांच का माइनस फाइव बाय टू, सी का वैल्यू आपका 6 पॉजिटिव, माइनस बी बाय टू ए 5 बाय टू। अब लास्ट डी चेक कर लीजिए, डी आपका बेटा बी स्क्वायर, सो दिस इज 25 माइनस 4 ए सी, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 6, तो 4 इन 24 विच इज 1 पॉजिटिव। सो ग्राफ इतना इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद अब आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए। सर आपका डी पॉजिटिव दो जगह कट करेगा, सी पॉजिटिव वाई को ऊपर कट करेगा, माइनस बी बाई टू ए 5/2, मतलब इसका जो मिनिमम हाइट होगा वो राइट साइड शिफ्ट करेगा, ए का वैल्यू पॉजिटिव ऊपर जाएगा, तो आंख बंद करके ऐसा कुछ कर दीजिए, ठीक है। सो ये जो आपका पॉइंट है कितना, ये एक्स का वैल्यू 5/2, 0, तो ये भी वर्टेक्स हो जाएगा 5/2, -d/4a, ये भी निकाल ले माइनस डी बाय फोर ए, डी का वैल्यू कितना है 1, तो माइनस 1 बाय 4 ए, ए का वैल्यू 1 तो माइनस 1 बाय 4, इसका मतलब ये नीचे कितना तक जा रहा है, माइनस 1 बाय 4 यूनिट जा रहा है नीचे, ठीक है। फिर कहां कहां कट कर रहा है, ये अल्फा बीटा वो रूट आप निकाल लीजिएगा अल्फा बीटा, ये कहां पर कट किया 0,6 पे कट किया, सी का वैल्यू 6 है। अब इस क्वार्टिक का अगर आपसे रेंज पूछ देगा तो रेंज मिलेगा सर मिनिमम माइनस 1 बाय 4 और मैक्सिमम इनफिनिटी, सो रेंज दिस इज माइनस 1 बाय 4 से लेकर इनफिनिटी तक इसका रेंज हो जाएगा, ठीक है। सो क्वार्टिक का इन एंड आउट मतलब सारा चीज दिमाग में रख के अगर आप ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा, ठीक है। सेकेंड आपका y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, ऐसा है इसका बेटा a का वैल्यू माइनस 1, b का वैल्यू प्लस 1 एंड c का वैल्यू माइनस 2, इसका d चेक कर, सो d इज b स्क्वायर 1 माइनस 4 a माइनस 1 c माइनस 2, देख टोटल तीन बार नेगेटिव 1, 2, 3, तो यहाँ अल्टीमेटली आपका ये दोनों मिलके पॉजिटिव, तो 8, 1 - 8 - 7, सो d लेस देन 0 और a लेस देन 0 और सी नेगेटिव और माइनस बी बाय टू ए चेक कर लीजिए, बी का वैल्यू 1 तो दिस इज माइनस 1 बाय टू ए तो 2 × -1 विच इज 1/2, इसका मतलब ये सिमेट्रिकल जो होगा 1/2 लाइन के अबाउट, सो 1/2 राइट साइड शिफ्ट करेगा इसका मिनिमम वर्टेक्स मतलब वर्टेक्स पॉइंट, ए नेगेटिव नीचे जाएगा, डी नेगेटिव नीचे से नीचे ही चला जाएगा, कट नहीं करेगा। सो इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करें, नेक्स्ट पेज पे मैं कर रहा हूं, इसका जो ग्राफ होगा बेटा आपका ऐसा कुछ होगा, ठीक है। ये आपका कौन सा पॉइंट है 1/2, 0,
सी का वैल्यू आपका नेगेटिव था, नीचे जा रहा है। ये आपका हो जाएगा आपका मैक्सिमम हाइट, ये आपका मिनिमम माइनस इन्फिनिटी मैक्सिमम आपका ये वर्टेक्स भी। एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1/2, वाई कोऑर्डिनेट डी का वैल्यू कितना था, -7 था, और -D/4a होता है, तो -7/4 × -1, सो -7/4, -7/4। सो इसका रेंज हो जाएगा इस क्वाड्रेंट का -∞ से -7/4। और ये -7/4 मिला किस एक्स पे, तो एट एक्स इज इक्वल टू 1/2 पे। ठीक है, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक का ग्राफ। नेक्स्ट थर्ड है आपका 3x² + x-1, 3x² + x-1। सो 3x² = 3x² + x-1। इसका सब कुछ लिख ले पहले, a इज इक्वल टू 3, बेटा b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -1, -b/2a, b इज 1, सो दिस इज -1/2 × 3, सो -1/6। फिर d बेटा निकाल लिया, d b स्क्वायर 1 -4 × 3 × -1, -4 + 4 = 12 + 1 = 13, 13 आपका पॉजिटिव है, a आपका पॉजिटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, -b/2 है, -1/6। अब ध्यान समझना है, d पॉजिटिव x को दो बार कट करेगा, a पॉजिटिव ऊपर मुंह खोलेगा, आपका -b/2 नेगेटिव मतलब लेफ्ट साइड में आपका रहेगा वर्टेक्स वाली पॉइंट, c आपका नेगेटिव y को कट करेगा नीचे। अब देखिए इसका ग्राफ, c आपका नेगेटिव जा रहा है -1, तो नीचे उसके बाद -1/6 यहां कहीं रहेगा, तो वर्टेक्स आपका नीचे शिफ्ट करेगा, तो ग्राफ आपका ऐसा जाएगा ऐसा। सो वर्टेक्स भी -1/6 और इसका मिनिमम दिस इज -D/4a, सो d इज 13, सो -13/4 × 3 विच इज -13/12, सो -1/6 - -13/12 एंड c इज -1, सो दिस इज 0, -1, 1√α/√β। इट मीन्स इस केस में जो इसके रूट होंगे वो अपोजिट साइन का होगा, एक आपका नेगेटिव दूसरा आपका पॉजिटिव, क्योंकि c आपका नेगेटिव है और a आपका पॉजिटिव है। सो अगेन अब इसका मिनिमम कहां से कहां तक, सो -13/12 से लेकर +∞ तक जा रहा है। सो -b/2a का अप्लीकेशन, इसका यूज समझ में आ रहा अच्छे से कि सर जब -b/2a नेगेटिव था तो वर्टेक्स पॉइंट लेफ्ट साइड शिफ्ट किया। ठीक है, सो लास्ट आपका है y = x² - x+1, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लें। अगर इसका भी आप सब कुछ लिख लीजिए, सो a = 1, b = -1 एंड c = 1, -b/2a का वैल्यू, तो इसे -(+1/2) a का वैल्यू 1/2, d 1 - 4 × 1 × 1 विच इज -3 नेगेटिव, a आपका पॉजिटिव। सो अब देख, a पॉजिटिव d नेगेटिव, ए पॉजिटिव ऊपर जाएगा, डी नेगेटिव कट नहीं करेगा, सो ग्राफ आपका और -b/2 = 1/2, यहीं पे कर लेते हैं ड्रॉ, सो कट नहीं करेगा और ऊपर जाएगा और सी का वैल्यू पॉजिटिव, तो ऐसा जाएगा। ठीक है, ये जो आपका पॉइंट बेटा यही आपका वर्टेक्स भी बन जाएगा, भी का एक्स कोऑर्डिनेट 1/2 और -d/4a, डी इज -3 का -+3, सो 3/4, तो इस केस में मिनिमम हो जाएगा 3/4, मैक्सिमम हो जाएगा +∞। ये बात समझ में आ रहा है। सो क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रॉ करने में यही 3-4 पॉइंट आपको ध्यान रखना, बहुत इजीली आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब ग्राफ को यूज करके क्वेश्चंस कैसे बन सकता है, कुछ-कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहले ग्राफ पे एप्लीकेशंस, मतलब ग्राफ पे एप्लीकेशन कि मॉडुलस को यूज करके ग्राफ में क्या-क्या मॉडिफिकेशंस हम लोग कर सकते हैं। सो मॉडुलस को अप्लाई करना है क्वाड्रेटिक के ग्राफ पे। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ
y इज इक्वल टू मॉड ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, मॉड y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, या y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी मॉड एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर को आप ए मॉड एक्स का स्क्वायर लिखे या सिंपल स्क्वायर लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी मॉड एक्स प्लस सी का मॉड, बेसिकली ये मॉडुलस का एप्लीकेशन होगा। कौन सा एप्लीकेशन? अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स का बेटा ग्राफ पता हो तो इसके ग्राफ से मुझे पहुंचना है इसके ग्राफ पे, y इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स का ग्राफ, फिर y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स, मतलब x को आपने रिप्लेस किया मॉड x से, फिर मॉड y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ, फिर y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x का मॉड। इस ग्राफ पे हमें पहुंचना है जब y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ मुझे गिवेन हो या पता हो, ठीक है। तो बेसिकली एक इन सब के लिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए दो या चार स्टेप्स हैं, उस स्टेप को हमें ध्यान रखना, तब मैं इस ग्राफ पे आऊंगा। स्टेप ये होता है, स्टेप आपका ये होता है, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फर्स्ट y इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स, ठीक है। सो पहला स्टेप इसका, फर्स्ट आप ऐसा कीजिए बेटा, सारा मॉड वॉड हटा दो, सिंपल मॉड हटाइएगा, आपको एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। सो फर्स्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, फर्स्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब बिना मॉड का ग्राफ ड्रॉ करना, मॉडुलस को हटा के आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए, जो कि आपके लिए आसान होगा बिना मॉडुलस का, ठीक। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सेकेंड स्टेप में मार्क दोज पार्ट ऑफ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विच लाइज बिलो द एक्स एक्सिस, मतलब इस फर्स्ट स्टेप का जो आपने ग्राफ ड्रॉ किया वाई इक्वल टू एफ एक्स, उस ग्राफ में अगर एक्स एक्सिस के बिलो कुछ पार्ट गया हुआ है तो वैसे पार्ट को आप क्या कीजिए, मार्क कर लीजिए, मतलब हल्का ये कर लीजिए डॉटेड लाइन से, ठीक है। मार्क दोज पार्ट ऑफ ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स विच लाइज बिलो द एक्स एक्सिस, ठीक। फिर अगले स्टेप में क्या करना है, टेक द मिरर इमेज, मिरर इमेज ऑफ मार्क्ड पोर्शन, जो सेकंड स्टेप में आपने जो मार्क किया उस पोर्शन का क्या करना, मिरर इमेज लेना है, मिरर इमेज ऑफ मार्क पोर्शन किसके अबाउट द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लीजिएगा तो जो एक्स एक्सिस के बिलो था वो बेटा अबाउट चला जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट स्टेप में क्या करना, डिलीट कर दीजिए मार्क्ड पोर्शन, एंड डिलीट द मार्क्ड पोर्शन, जिस पार्ट को आपने मार्क किया था उस पार्ट को आप डिलीट कर दीजिए, तो आपको ग्राफ मिल जाएगा इसका, वाई इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स का ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप, चार स्टेप आपको ध्यान देना, पहला स्टेप सारा मॉड हटा दे, मतलब मॉड है ही नहीं, बिना मॉड का ग्राफ ड्रॉ करना हमारे लिए आसान होता है। सो ड्रॉ कर लिया, फिर सेकंड स्टेप में क्या करना, सिर्फ देखना है कि जो फर्स्ट स्टेप आपने ग्राफ ड्रॉ किया वाई का जो एफ एक्स का, उस ग्राफ में उस ग्राफ का जो पार्ट जो एक्स एक्सिस के बिलो है उसको आप मार्क कर लिए, मार्क करने के बाद क्या कीजिए, मिरर इमेज लेके उसको ऊपर भेज दे, फिर लास्ट में डिलीट कर दीजिए मार्क पार्ट को, आपको ग्राफ मिल जाएगा वाई इक्वल टू मॉड एफ एक्स का। जैसे सपोज बेटा मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना, वाई इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, बिल्कुल ध्यान देखना। तो फर्स्ट स्टेप इसका क्या बोलता है कि आप मॉड हटा के ग्राफ ड्रॉ कीजिए, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अभी मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ किया था वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स का, थोड़ा ध्यान देना बेटा, इसका ये ग्राफ बना था आपका, ठीक है।
जीरो पे सिक्स हाइट दिया, ये आपका मिनिमम माइनस वन बाय फोर तक जा रहा था, कब जा रहा था, फाइव बाय टू पे जा रहा था। फिर सेकेंड स्टेप क्या बोलता है, मार्क कर दीजिए आप, सेकेंड स्टेप में क्या कीजिए आप, मार्क कर दीजिए आप ऐसा, दोज पार्ट विच लाइज बिलो द एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के बिलो वाला पार्ट है बेटा, इसको मैंने मार्क कर दिया, ये ब्लैक कलर से, सॉरी रेड कलर से इसको मार्क कर दिया है। अब थर्ड स्टेप में ये क्या बोलता है कि टेक द मिरर इमेज ऑफ मार्क्ड पोर्शन अबाउट द एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज दीजिएगा, तो जो नीचे वो कहां जाएगा, ऊपर चला जाएगा आपका, ठीक है, तो ये सेम दिखेगा बट अबव दिखेगा, एक्स एक्सिस के अबाउट मतलब आप एक्स एक्सिस को आईना मान के नीचे वाले पार्ट का मिरर इमेज दीजिएगा, वो ऊपर चला जाएगा, ठीक। सो इस वाले पार्ट का, ये मार्क पार्ट का जब मिरर इमेज लीजिएगा तो आपको ये ऐसा दिखेगा। फिर लास्ट पार्ट में क्या बोला कि डिलीट द मार्क पोर्शन, सो मार्क पार्ट को क्या कीजिएगा, डिलीट कर दीजिएगा। सो इसको बेटा आप डिलीट कर देते हैं, ठीक है, आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट बिना मार्क अगर आप ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस के जो बिलो था उसको मार्क किया, फिर जो आपका जो बिलो वाला पार्ट है मार्क पार्ट को मिरर इमेज लेके ऊपर भेज दिया, ठीक है। इस वाले पार्ट को डिलीट कर देना है, सो इरेज कर दीजिए, ठीक, ये आपका ग्राफ बन रहा है, आप थोड़ा ध्यान देना, ये अल्फा कॉमा जीरो एंड दिस इज बीटा कॉमा जीरो, आपको दो पॉइंट दिख रहा है इस ग्राफ में जहां पर बेटा शार्प कॉर्नर बन रहा है, जैसे ये पॉइंट अल्फा कॉमा जीरो ऐसा दिख रहा है, ये नुकीला पॉइंट शार्प कॉर्नर पॉइंट और यहाँ एक शार्प कॉर्नर पॉइंट, तो आगे जाके इसी में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में कि जहां पे शार्प कॉर्नर बनता है उस पॉइंट पे फंक्शन होता है नॉट डिफरेंशिएबल, इट मींस ये पॉइंट एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स जिस दो पॉइंट पे जीरो आ रहा है वो टू और थ्री पे जीरो आ रहा है, तो टू और थ्री पे दिस फंक्शन मॉड एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। सो आप नोट करके लिख लीजिए कि वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मॉड इज दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट दोज वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बिकम्स जीरो। सो ये अगर जिस एक्स पे ये जीरो हो रहा है उस पॉइंट पे ये मॉड ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी वो आपका कैसा रहेगा, नॉट डिफरेंशियल होगा, और किस वजह से नॉट डिफरेंशियल, तो बेटा शार्प कॉर्नर पॉइंट की वजह से नॉट डिफरेंशियल होता है। ये क्या होता है शार्प कॉर्नर पॉइंट, हम लोग डिफरेंशियलिटी में देखेंगे, अभी बस थोड़ा आप हल्का सा दिमाग में रखिए कि अच्छा कॉर्नर पॉइंट पे ये डिफरेंशियल नहीं होता है, क्यों होता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, वो पूरा डिटेल हम लोग कब कर देखेंगे, तो डिफरेंशियलिटी में देखेंगे, ठीक। सपोज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू मॉड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू, ठीक है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको बिना मॉड का, तो वाई इक्वल टू माइनस मॉड हटा दिया बेटा, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू दिखेगा, इसका आपका ए का वैल्यू माइनस वन, बी का वैल्यू प्लस वन, सी का वैल्यू माइनस टू, तो इसका d का वैल्यू हो जाएगा वन माइनस फोर इंटू माइनस वन इंटू माइनस टू, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये आपका एट, वन माइनस एट दिस इज माइनस सेवन, सो a नेगेटिव और d नेगेटिव, इट मीन्स ग्राफ आपका कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, माइनस b बाय टू ए चेक कर लीजिए, सो दिस इज माइनस वन बाय टू इंटू माइनस वन विच इज वन बाय टू, सो राइट साइड आपका मिनिमम हाइट रहेगा, सो बिना मॉडुलस का जो ग्राफ आएगा आपका ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो
तो इस ग्राफ का बेटा सारा का सारा पार्ट ही आपका नीचे लाइक कर रहा है, सारा का सारा पार्ट आपका नीचे बिलो लाइक कर रहा है। किसके बिलो? तो एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है। अब इसमें हमें जब मॉड लगाना है तो जो भी बिलो वाला पार्ट है इसका मिरर इमेज लेके इसको कहां भेज देना है? इसको ऊपर भेज देना है। तो ऊपर भेजेगा, ये जो आपका हाइट है वो यहां कहीं जाएगा, ग्राफ आपका ऐसा जाएगा, ये चला जाएगा। और ये वाला पार्ट आपका जो मार्क्ड पोर्शन है इसको मार्क करने के बाद फिर इसको डिलीट कर दीजिए, ये आपका पार्ट चला गया। ठीक है, ऐसा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग सेकंड देखेंगे, मॉडुलस का ही एप्लीकेशन। टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ मॉड x, इट मीन y इज इक्वल टू एफ एक्स में आपने क्या किया, x को रिप्लेस किया। किससे रिप्लेस किया? तो मॉड x से रिप्लेस कर दिया y इज इक्वल टू एफ एक्स में। ठीक है, सो इसका जो फर्स्ट स्टेप अगेन आएगा, फर्स्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, अगेन मॉड आप हटा दीजिए। ठीक है, बिना मॉड का ग्राफ ड्रॉ करना ज्यादा आसान रहेगा। सो मॉड हटा दिया, y इज इक्वल टू एफ एक्स दिखा। ठीक, सो फर्स्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या कीजिए, डिलीट दोज पार्ट ऑफ ग्राफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ x which lies left of y-axis, which lies left of y-axis। एक चीज ऑब्जर्व करना कि इस केस में तो सेकंड स्टेप में मैं डिलीट करवा रहा हूं, कौन सा पार्ट? फर्स्ट जो आपका स्टेप में y को एफ एक्स, इस स्टेप में जो ग्राफ ड्रॉ किया उस ग्राफ का y-axis के लेफ्ट में अगर कुछ है तो उसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, सो डिलीट दोज पार्ट ऑफ ग्राफ ऑफ y को एफ ऑफ एक्स विच लाइज लेफ्ट ऑफ y-axis। फिर नेक्स्ट, टेक द मिरर इमेज ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, जो बच्चा हुआ डिलीट करने के बाद रिमेनिंग पोर्शन अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट द वाई एक्सिस। ठीक है, जैसे सपोज एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव मॉड एक्स प्लस सिक्स। थोड़ा ध्यान देना बेटा, ये एक्स स्क्वायर को अगर आप मॉड एक्स का स्क्वायर लेके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव है, इसलिए मॉड एक्स लिखा। सो फाइव मॉड, ऐसा लग रहा है कि ये जो आपका फंक्शन है, अगर एफ ऑफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स हो तो इस एफ एक्स में एक्स की जगह पे मॉड एक्स बैठ गया, मतलब इसमें अगर एक्स को आप रिप्लेस कर दे मॉड एक्स है तो आपको दिखेगा एफ ऑफ मॉड एक्स दिस इज इक्वल टू मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस फाइव मॉड एक्स प्लस सिक्स। अब मॉड एक्स का स्क्वायर को हम लोग सिंपली एक्स स्क्वायर लिखते हैं, इसका मतलब ये जो आपका गिवेन है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव मॉड एक्स प्लस सिक्स, इसका मॉड अगर हटाइएगा तो आपको क्या दिखेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स दिखेगा। सो फर्स्ट स्टेप में हमें किसका ड्रॉ करना है, तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, जो कि ऑलरेडी हम लोग ग्राफ ड्रॉ किए हुए थे, ऐसा ग्राफ था आपका। ठीक, सेकेंड स्टेप में क्या बोलता है, डिलीट दोज पार्ट विच लाइज लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस। ये बेटा आपका वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के लेफ्ट में ये वाला पार्ट को क्या करना है, आपको डिलीट कर देना है। ठीक, उसके बाद जो बचे हुए पार्ट है राइट साइड जो बच रहा है उसका मिरर इमेज लेना है अबाउट द वाई एक्सिस। तो बेटा इस पूरे पार्ट का जब मिरर इमेज लीजिएगा तो आपका मिरर इमेज ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट
ये जो हाइट ये हाइट दोनों आपका सेम हाइट, ये आपका कितना था माइनस बी बाय टू ए, तो ये आपका माइनस बी बाय टू ए, मतलब ये निगेटिव साइड रहेगा। सपोज ये था आपका फाइव बाय टू कॉमा जीरो, ये हो जाएगा बेटा माइनस फाइव बाय टू कॉमा जीरो, ये वर्टेक्स आपका भी माइनस फाइव बाय टू कॉमा माइनस वन बाय फोर, और ये वर्टेक्स आपका भी डैश फाइव बाय टू कॉमा माइनस वन बाय फोर। इस पार्ट को क्या करना है, डिलीट कर देना, सो इरेज कर दीजिए इस वाले पार्ट को, ठीक है। तो आपको इस ग्राफ में यहां पे आपको एक कॉर्नर पॉइंट दिखाई देगा, इस जगह पे, इस जगह पे आपको एक कॉर्नर पॉइंट देखो, ये साफ कॉर्नर बन रहा है ये पॉइंट, जहां पे आपका वाई एक्सिस के राइट वाई एक्सिस के लेफ्ट, अब आपको सिमेट्री दिखाई दे रहा हो वाई एक्सिस के जैसा राइट में वैसा ही लेफ्ट में, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा इसमें अगर आप एक्स की जगह वन रखें तब जो वैल्यू मिलेगा, या माइनस वन रखें तब जो वैल्यू मिलेगा वाई का वो आपका सेम मिलेगा, इट मीन वन पे हाइट माइनस वन पे हाइट सेम, टू पे हाइट माइनस टू पे हाइट आपका सेम रहेगा, इसीलिए वाई एक्सिस के बाद हम लोग क्या बोलते हैं सिमेट्रिकल होगा। एंड दिस इज नॉट डिफरेंसिबल पॉइंट, कहां पे नॉट डिफरेंसिबल होगा, जहां पे x इज इक्वल टू जीरो पे जो सिक्स मिल रहा था उस पॉइंट पे ये आपका नॉट डिफरेंसिबल होगा, ठीक है, नॉट डिफरेंसिबल पॉइंट। सो y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ हम लोग समझ गए। नेक्स्ट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स, एफ ऑफ मॉड एक्स का मॉड, ये सिंपल है बेटा, सी पहले ये मॉड हटा दिया, ये मॉड हटाया तो y इज इक्वल टू क्या दिखा एफ ऑफ मॉड एक्स, इसका ड्रॉ करने के लिए क्या किए y इज इक्वल टू एफ एक्स का ड्रॉ किया। अब पहले यहां से आप यहां पहुंचे और यहां से यहां पहुंचे, ये पूरे ओवरऑल पे मॉड है, तो ओवरऑल पे मॉड का क्या वर्ग था कि x एक्सिस के जो बिलो था उसको ऊपर भेज देना है मिरर इमेज लेके अबाउट द एक्स एक्सिस। सपोज मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव मॉड एक्स प्लस सिक्स का मॉड, ध्यान समझना मॉडुलस फाइनल मॉडुलस के अंदर जो क्वांटिटी है उसका अभी आपने ड्रॉ किया था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव मॉड एक्स प्लस सिक्स, इसका ग्राफ आपका क्या था, ये था, ठीक। अब बेटा इस ग्राफ से मुझे यहां पहुंचना है पूरे फाइनल पे मॉड, तो वो क्या करेगी जो x एक्सिस के बिलो आपका पार्ट है इस वाले पार्ट का मिरर इमेज लेके वो कहां पहुंचा देगा, ऊपर पहुंचा देगा, ऐसा ऐसा, फिर नीचे वाले पार्ट को क्या करना है डिलीट कर देना है, इस वाले पार्ट को फिर डिलीट कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहां पे आपको टोटल कितने कॉर्नर पॉइंट दिखाई दे रहा है, एक कॉर्नर दो कॉर्नर तीन चार पांच कॉर्नर, सो इट मीन्स इस केस में आपको टोटल पांच पॉइंट पे दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंसिबल एट हाउ मेनी पॉइंट्स, तो वन टू थ्री फोर एंड फाइव पॉइंट, सो पांच जगह पे पांच पॉइंट पे टोटल ये फंक्शन क्या रहेगा नॉट डिफरेंसिबल रहेगा, ठीक है। ये तो भी आपका एफ ऑफ मॉड एक्स का मॉड। नेक्स्ट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मॉड वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये ध्यान समझना मॉड वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसमें बेटा आपका सेम स्टेप है, पहले मॉड हटा दीजिए तो वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अभी मतलब लेफ्ट साइड जो मॉड वाई है वो ऑलवेज पॉजिटिव मतलब निगेटिव नहीं होगा, जैसे हम लोग अगर ऐसा रहता मॉड वाई इज इक्वल टू टू तो वाई इज इक्वल टू आप लिखते हैं प्लस माइनस टू, ठीक है। सो इसका ग्राफ ड्रॉ किया, फिर सेकेंड स्टेप में क्या कीजिए डिलीट कर दीजिए दोज पार्ट ऑफ
y इज इक्वल टू एफ एक्स मतलब फर्स्ट स्टेप का ग्राफ का वैसा पार्ट दोज पार्ट ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स विच लाइज बिलो द x एक्सिस. क्यों डिलीट करा रहे हैं? क्योंकि मॉड y अगर एफ एक्स का नेगेटिव वाला पार्ट मॉड y पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए वो पार्ट आप डिलीट कर दिया. डिलीट दो पार्ट. फिर नेक्स्ट स्टेप में टेक द मिरर इमेज ऑफ रिमेनिंग पार्ट अबाउट द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस के अबाउट जैसे सब कुछ y इज इक्वल टू मॉड y इज इक्वल टू इसका ग्राफ ड्रॉ करना है. एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इसका ग्राफ ड्रॉ करना. मॉड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स. ध्यान से बना. पहला स्टेप क्या करता है बिना मॉड का, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स. ये नेक्स्ट स्टेप क्या करता है? डिलीट दोज पार्ट विच लाइज बिलो द एक्स एक्सिस. डिलीट दोज पार्ट विच लाइज बिलो द एक्स एक्सिस. ठीक है, तो जो एक्स एक्सिस के बिलो है उसको डिलीट कर दिया. ठीक, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है? टेक द मिरर इमेज ऑफ रिमेनिंग पार्ट अबाउट एक्स. मतलब इस पार्ट का अगर आप मिरर इमेज लीजिएगा एक्स एक्सिस के बाद, तो वो ऐसा कुछ आएगा. मतलब इस पार्ट का मिरर इमेज ऐसा, सिमिलर इस पार्ट का मिरर इमेज आपका ऐसा जाएगा. सो ये आपका ग्राफ हो जाएगा मॉड वाइज का भी एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स का, ये आपका ग्राफ हो जाएगा. ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे. कितने क्वेश्चंस ग्राफ्स को यूज करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अगली क्लास में. सो आज हमने क्वार्टिक का ग्राफ एंड क्वार्टिक पे मॉडुलस का एप्लीकेशन का ग्राफ हम लोग सीख चुके हैं. ठीक है, सो अगली क्लास में इसके आगे मैं कंटिन्यू करेंगे. चलिए, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.